तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल माय लाइफ स्टोरी। मैंने देखा कि मैंने कल डाला वीडियो तो उस पर बहुत ही कम ही सब्सक्राइबर मिले मुझे, लाइक भी नहीं कोई कर रहा है। बट मुझे तो मेरी कहानी जो है सबको बतानी है, तो वो तो मैं बताऊंगी। तो ये देखिए मेरा रूम, मेरा रूम है वो। मेरा कुछ कैमरा में प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए मुझे बैक कैमरा से आईने में मतलब ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। मैं आपको बताती हूँ कब की कहानी है। मेरी बचपन की कहानी है, जब से मतलब होश संभाला तब से मुझे याद है, तभी से मैं बता रही हूँ। तो ये मेरा जन्म हुआ था 2002 में मेरा जन्म हुआ था गाइस। नहीं 2002 नहीं, सॉरी मिस्टेक, 2000 में मेरा जन्म था। तो मेरी मम्मी ने मुझे जब मैं 7-8 साल की होंगी उस टाइम, तो मैं छोटे से गांव में रहती थी दहाड़, वहाँ पूरा एकदम वो गांव जो है ना पूरा दहाड़ पड़ता है और वहाँ पे पानी वगैरह भी आ जाता है, पूरा गांव वगैरह में पानी भर जाता है पूरा। तो मेरी माँ ने बोला कि मैं इसे पढ़ने भेजूंगी, तो पापा ने बोले नहीं, यहाँ के लड़कियाँ पढ़ने नहीं जाती है। तो मेरी मम्मी बोली क्या क्या होगा, नहीं जाएगी पढ़ने के लिए तो क्या, यहाँ की लड़कियाँ नहीं जाती है तो क्या मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, मेरी बेटी क्या कुछ नहीं करेगी। तो मेरी माँ ने मुझे अपना मायके यानी कि मेरी नानी घर भेज दी पढ़ने के लिए। तो मैं 7-8 साल की उम्र में ही मतलब माँ से जुदा हो गई और मैं चली गई पढ़ने को। तो वहाँ पे मतलब मैं जाना नहीं चाहती थी, जब मतलब कि उस जिस सब छोटी थी चली गई। फिर धीरे धीरे हमको होश आने लगा, वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं था गाइस, मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब मार पीट जो मतलब कि कई कई हर घर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई कई घर में होता है लड़ाई झगड़ा मार पीट ये सब। तो मतलब कि वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं था। मेरे नाना जी गुजर चुके थे, तो मेरी नानी ही काम करती थी बेचारी, मामा जी दोनों मतलब काम करते थे, ऐसा नहीं करते थे, लेकिन उनसे तो उतना नहीं हो पाता था ना। तो हमने तो जब भी मैं नानी घर जाती थी ना, तो पूरे रास्ते रोते हुए जाती थी। तो जब से हमको होश आया, तो फिर सब लोग बोलते थे कि ये रोते हुए जा रही है, देखिए आपकी बेटी है रोते हुए जा रही है पूरा रास्ता, क्या हुआ नहीं हुआ। मैं पूरा रास्ता रोती हुई जाती थी, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं होता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, बट जाना तो था ना गाइस। तो पढ़ाई भी था, तो बहुत रोती थी, जैसे लगता था कि मतलब कि हमको कोई जेल पहुँचा रहा है। बहुत रोती थी मैं, एकदम जाने का मन नहीं करता था बहुत, मतलब कि बिल्कुल भी बोलता है ना, लगता था कि कोई जेल पहुंचा रहा है मुझको, ऐसा महसूस होता था। तो मैंने